और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम डेरा प्रेमी रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार कर दिए गए हैं। ऐसे में पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें मामले में दोषी ठहराया और इस मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह के अलावा 5 अन्य लोगों को भी दोषी पाया गया है। राम रहीम पर बेअदब गंभीर आरोप भी लगे हैं और जैसे कि हत्या, धोखाधड़ी, यौन शोषण जैसे। लेकिन क्या राम रहीम इकलौते ऐसे बाबा थे जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं? तो जवाब है नहीं। इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, आइए समझते हैं। तीन साल पहले नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को जोधपुर की अदालत ने दोषी ठहराया था। आसाराम बापू पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप था। ये मामला लगभग 2013 का बताया जाता है। उन पर कई और भी मामले दर्ज हैं। आरोप था कि आसाराम जमीन हथियाने, बच्चों की हत्या समेत कई अन्य मामलों में भी लिप्त पाए गए। पुलिस इन मामलों की अभी जांच कर रही। आसाराम पर आशीर्वाद देने के बहाने लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप भी लगे। उनके बेटे नारायण साई पर भी ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन आसाराम अकेले नहीं है, उनसे पहले गुरमीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसे बाबा और भी हैं जो विवादों में रहे, उनमें से एक हैं चंद्रस्वामी। चंद्रस्वामी की शख्सियत कैसी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर तो उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का सबसे नजदीकी सलाहकार माना जाता रहा, तो दूसरी तरफ उन पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा। इन आरोपों के बीच कई देशों के सेनाध्यक्षों ने भी मधुर संबंध, हथियारों की दलाली और हवाला का कारोबार, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन जैसे कई संगीन आरोपों से भी चंद्रस्वामी सुर्खियों में रहे। बाबा रामपाल या संत रामपाल अध्यात्म की दुनिया में कदम रखने से पहले हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर बताए जाते हैं। 18 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, फिर सत्संग करने लगे। उन्होंने सतलोक आश्रम बसाया था। आपको बताते चले, उन पर आरोप है कि उनके आश्रम के अस्पताल में गर्भपात सेंटर चलता था। उनके आश्रम से हथियार और कई आपत्तिजनक दवाएं जब्त कर ली गई। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का भी केस दर्ज किया गया। तो वही संत रामपाल देशद्रोह के मामले में फिलहाल हिसार जेल में बंद। साल 2010 में स्वामी नित्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी और अश्लीलता के मामले में केसेस दर्ज किए गए। उनकी कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। उन्हें अभिनेत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। इसके बाद फॉरेंसिक लैब में जांच हुई। जांच में सीडी को सही बताया गया, लेकिन नित्यानंद के आश्रम ने उस सीडी की अमेरिकी लैब की रिपोर्ट पेश की और इसमें सीडी से छेड़छाड़ की बात सामने आई। इसके बाद नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें बेल मिल गई थी। इसके अलावा बेंगलुरु में नित्यानंद के आश्रम में भारी मात्रा में कॉन्डोम और गांजा भी बरामद किया गया था। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली लेके चलते हैं आपको। दिल्ली के एक बाबा खुद को इच्छाधारी संत बताते थे। इच्छाधारी संत के नाम से मशहूर स्वामी भीमानंद नागिन डांस के लिए बेहद चर्चा में रहते थे। 1997 में उन्हें लाजपत नगर इलाके से पुलिस ने देह व्यापार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि वो प्रवचन के बहाने लड़कियों को फंसाकर सेक्स रैकेट का कारोबार करते थे। खुद को संत कहने वाले भीमानंद का वास्तविक नाम शिव मूरत द्विवेदी है और ये बाबा बनने से पहले एक 5-स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करते थे। स्पेशल डेस्क आरएन। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।